देखिए कुरान करीम के अंदर एक ऐसी सूरत है कि जिसमें शिफा है, जिसको शिफा कहा गया है। इस सूरत में हर दुख दर्द बीमारी का इलाज है। वो किसी अगर वो बीमारी किसी जादू की शक्ल में हो या उलझनों की शक्ल में हो या किसी कर्ज की शक्ल में हो और बंदा सूरह फातिहा को पढ़े तो वो तमाम परेशानियों का इलाज है। इसके पढ़ने वाला हर हर परेशानी से निजात पा लेता है। और इस सूरत में अगर इस सूरत को पढ़ने वाला अपने ऊपर पढ़कर दम कर ले और वो बीमार है तो अल्लाह ताला इस सूरत के पढ़ने की बरकत से उसको सेहतियाब अता कर देते हैं। इस सूरत को इसलिए सूरतुल शिफा भी कहा गया है। और यहाँ पर मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम जब एक कबीले में पहुँचे तो एक औरत आई और वो कहने लगी कि हमारे कबीले का जो सरदार है उसको बिच्छू ने काट लिया है, क्या तुम में से कोई शख्स ऐसा है जो पढ़कर उस पर दम कर सके? तो नबी के सहाबा में से एक सहाबी ने सूरह फातिहा को पढ़कर दम कर दिया तो उसको इस तरह से शिफा मिल गई जैसे कोई गिरा बंधी हुई थी और वो खुल गई हो। वो शिफा पा गया, वो सेहतियाब हो गया। इतनी ज़्यादा शिफा है इस सूरत के अंदर। और फिर तरतीब के लिहाज से भी कुरान करीम की सूरतों में से सबसे पहली सूरत जो है वो सूरह फातिहा है और इसे उम्मुल कुरान भी कहा जाता है। और नमाज के अंदर भी इसको बार बार दोहराया जाता है, हर रकात में सूरह फातिहा को पढ़ा जाता है। वो चाहे फ़र्ज हो या वो नफिल हो, हर हर उसमें सबसे पहले सूरह फातिहा की इब्तदा की जाती है, फिर बाद में कोई और दूसरी सूरत पढ़ी जाती है। ये जो सूरत है ये अपने पढ़ने वाले के लिए बहुत ही ज़्यादा शिफा है। अगर कोई कर्ज की वजह से परेशान है, कर्ज बहुत ही ज़्यादा है और वो इस नीयत से पढ़े, इस सूरह फातिहा की तिलावत करे तो अल्लाह ताला उसकी परेशानियों को दूर कर देता है। अगर कोई किसी भी तरह की उलझनों में उलझ रहा हो तो सूरह फातिहा का पढ़ने वाला तमाम उलझनों से निजात पा लेता है। इतनी ज़्यादा फ़वाइद है सूरह फातिहा के। अहदीस में भी इसके बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद और फजीलतें आई हैं। सूरह फातिहा उम्मुल कुरान है, सबुल मसानी है, बार बार दोहराई जाने वाली सूरत है। तो अगर हमें या आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, कोई दुख या तकलीफ़ हो, कोई रंज हो, कोई उलझन हो तो हम सूरह फातिहा का विर्द करें, सूरह फातिहा को हम पढ़ें। अगर हमारे घर में या अगर कोई बाहर हमारे पड़ोस वगैरह में कोई बीमार है तो हम सूरह फातिहा को पढ़कर पानी पर दम करें और बीमार को पिलाएं तो अल्लाह ताला इसके पढ़ने की बरकत से उसको सेहतमंद अता फरमा देते हैं। ये छोटी सी सूरत है लेकिन इसमें फ़वाइद इतने हैं कि बताए नहीं जा सकते, इतनी ज़्यादा अच्छी है ये सूरत।